वाला हूँ यहाँ का स्पेशल व्यू पॉइंट, जो कि आपको पार्टी करना है तो वो कर ले सकते हो पार्टी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, तो मैं भी अलहमदिल्ला ठीक हूँ। तो एक्चुअली मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे हैदराबाद के जो नए पिकनिक स्पॉट जो रिसेंटली बने हैं उसके बारे में मैं एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को वही बताऊँगा जो पिकनिक स्पॉट्स है। तो रिसेंटली जो यहाँ पे गंडीपेट पे इको पार्क जो है ना लॉन्च हुआ है, तो मैं अगर इको पार्क को ही बताने हैं आप लोगों को, यहाँ पे बहुत ही बड़ा और सी व्यू पार्क है अपने हैदराबाद में, तो रिसेंटली लॉन्च हुआ, वैसे भी नया अट्रैक्शन है पब्लिक के लिए। तो मैं आप लोगों के वास्ते लेके आया वीडियो, तो जो नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बने रहिए वीडियो को, वीडियो के एंड तक देखिए। तो गाइस यहाँ से हम अंदर जाएंगे पार्किंग की एरिया, फिर वहाँ से पार्क की एंट्री है। तो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट अट्रैक्शन है, जहाँ पे सेल्फी और फोटोज़ वगैरह, यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स भी चल रहे थे हम लोग देखे। जब हम लोग थोड़ा जल्दी आने की वजह से गेट नहीं खुली थी, तो पीछे की गेट से हम लोग अंदर जा रहे। ये एक्चुअली जो है ना एंट्रेंस इसका यहाँ से भी है और मेन गेट भी है, तो बेसिकली यहाँ से एक रास्ता मिल गया क्योंकि मेन गेट बंद थी। तो इसकी टाइमिंग जो है ना मॉर्निंग 6 AM से इवनिंग 5 बजे तक है। 50 रुपये इसका टिकट है, तो आपको एंट्रेंस पे करना पड़ेगा। तो आइए अंदर चलते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ये ऐसा प्ले एरिया है, मतलब यहाँ पे इवेंट्स वगैरह शायद होते होंगे कंडक्ट। कुत्तों से आखिरी फटरी हम लोगों की, फिर भी हम ना आप लोगों के यहाँ से इतना रिस्क उठाना बनता है सुबह सुबह, वो भी सर्दी में। तो ये वाला पार्क का जो है ना स्टार्टिंग का अट्रैक्शन है, तो अभी अंदर चलते हैं अपन। तो एक फैमिली के लिए इवनिंग में या वीकेंड में कभी भी आ सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा वाइड स्प्रेड, सिर्फ 50 रुपये। और आप जितनी बड़ी गाड़ी में आएंगे उसका पेट्रोल है। पार्क का सेंटर अच्छा, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, देख सकते हो आप। वो मेन गेट है जहाँ पे आप देख रहे हो, वो मेन गेट है, ये बैठने के वास्ते बनाए गए। ये वाले जो देख रहे हो स्लोप्स वगैरह, ये बैठने के लिए बनाए गए, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हैदराबादियों से एक रिक्वेस्ट है भाई, कभी भी पार्क को जा रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट लाख्स ऑफ रुपीस स्पेंड कर रही, वहाँ पे आप लाएँ कचरे के डब्बे बॉटल नक्को फेंको। अरे भाई गार्बेज बॉक्सेस हैं यहाँ पे, वो बकेट्स में डाल दो तुम लोग, क्योंकि पार्क की जो क्वालिटी है, जो नेचर है ना, वो उसका मज़ा उड़ जा रहा। हर जगह कचरा डाल के रखे अपने लोग। तो प्लीज़ गाइस, अपना हैदराबाद है, अपना यू नो एनवायरनमेंट सेफ करके रखो, कचरे कचरे की जगह पे डाले तो अच्छा रहता। देखो यहाँ से आप मस्त मज़ा ले सकते हो, आप पूरा एंजॉय कर सकते हो आप गंडीपेट का उस्मान सागर ग्रीनरी के बीच में। और ये सी व्यू इवनिंग में बहुत ही अच्छा लगेगा जब सनसेट होगा, तो डेफिनेटली एक बार चेक करने की ज़रूरत है आप लोगों को यहाँ पे आके। चलो वापस जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे कुछ छोटा सा हट बने हुआ है, तो अपन हट के पास जाएंगे। अब यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, आप लोग दिलवाले दुल्हनिया मूवी आधा जाना यहाँ पे आए तो। यहाँ पे भगोने वगैरह ला के दावत कर सकते हैं तुम लोग, मजाक कर रहे हो, तस्वीर यहाँ के दावत आ करेंगे, बैठने के वास्ते बेहतरीन है। ये वाला व्यू तो नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो सुकून से। वहाँ पे दो चेहरा भी है जो कि पत्थर के बने हुए, इसके ऊपर मस्त बैठ के चाय वाय पी सकते घर से थर्मास लेके आके। और ग्रीनरी तो पूछो शनक को, शाहरुख खान का दिलवाले दुल्हनिया का शॉट तो याद होगा ना आप लोगों को, उसमें ठहर के उन्हें गिटार बजाता, सो सेम वही फील आना यहाँ पे आए तो। अच्छा सा फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा गंडीपेट लेक के बारे में। तो ये लेक को जो है ना उस्मान सागर भी बोला जाता है, इसको बनाया गया था 1920 में। बेसिकली ये लेक जो बनाई गई थी, वो पीने का पानी पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद में पब्लिक को सप्लाई करने के वास्ते, को जो बनाए थे उनका नाम था मीर उस्मान अली खान। तो गाइस अब दिखाने वाला हूँ यहाँ का स्पेशल व्यू पॉइंट, ऑसम है, और आप ना देख के उसको एकदम बहुत ही खुश होंगे। तो आइए मेरे साथ आप क्लोजली एकदम जो है ना उस्मान सागर को फील कर सकेंगे, और शाम के टाइम पे अगर आप आएंगे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा माहौल बनेगा। आइए अजहर भाई, चलो चलो अजहर भाई लेके चल रहे हैं अभी ऑडियंस को।
चलो देखिए गाइस, ये है व्यू पॉइंट जो हम लोग आपको बोल रहे थे जब से। वहाँ तक मत जाइए, बस यहाँ पे एंजॉय करिए। फैमिली के साथ आए तो वहाँ पे जाना सेफ नहीं रहेगा। वाह यार, ओ भाई क्या है यार ये वाला तो नेक्स्ट लेवल है। घर के चबूतरे पर बैठने से अच्छा ये चबूतरे पे आके बैठो, समंदर को खाली घूरते बैठो, इतना घूरो पूरी बलाया निकल जाना आंग में से। मजाक कर रहा हूँ, मगर यहाँ बैठ के मस्त एंजॉय कर सकते शाम के टाइम पे ठंडी हवा ही तो, आहा क्या मजा आने वाला है भाई साहब। यहाँ का सबसे बड़ा जो व्यू पॉइंट है आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो ये है। आप देख सकते हो उस्मान सागर को करीब से, आप देख सक रहे हो यहाँ एकदम पानी की लहर। तो सामने पानी मैला मैला है, बस ठीक है। ऑलराइट गाइस, ये वाला जो है ना यहाँ पे सेम व्यू पॉइंट है, अगर पार्टी वार्टी करना है तो आप लोग कर सकते हो। सीन देखो आप, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सक रहा, वहाँ तक नहीं जाना है, यहीं से बैठना है। पार्टी एरिया है जहाँ पे कुछ भी बर्थडे पार्टी हुए यहाँ पे रेंट पे चेयर और स्टेज लेके भी कर सकते हो शायद, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, बट वो जो दिख रहा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो चुका है, तेलंगाना स्टेट में ज़्यादा डेवलपमेंट आ रहा है। कैसे आ रहा, थैंक यू। तो गाइस ये था व्लॉग गंडीपेट इको पार्क का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए सेम टॉपिक पे मगर अलग लोकेशन पे ले लेके आऊँगा इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय।